अगर आप अपने मोबाइल में पाइथन के प्रोग्राम्स को रन करना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल में दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पड़ेंगे, एक पाइड्रॉइड 3 और दूसरा पाइड्रॉइड रिपोजिटरी प्लगइन्स। पाइड्रॉइड 3 पर आप अपने सारे प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, परंतु अगर आप पाइड्रॉइड में अपने ग्राफिक्स के प्रोग्राम्स को या अन्य मॉड्यूल्स के लाइब्रेरीज़ के प्रोग्राम्स को रन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए रिपोजिटरी प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे आप रिपोजिटरी प्लगइन इसमें ऐड कर देते हैं तो आप अपने पाइड्रॉइड 3 में ग्राफिक्स के प्रोग्राम भी रन कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कैसे रिपोजिटरी प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद लाइब्रेरी मॉड्यूल कैसे इंस्टॉल करूँगा आप देखेंगे। पाइड्रॉइड 3 में एक मेन्यू में एक ऑप्शन आता है पिप, पिप पे क्लिक करेंगे और वहाँ लाइब्रेरी का नाम देंगे मैटप्लोटलिब एंड देन इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो मैटप्लोटलिब आपके पाइड्रॉइड 3 में इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप पाइड्रॉइड 3 में मेन्यू में जो ग्राफिक्स के प्रोग्राम्स के एग्जांपल दिए गए हैं उनको आप रन करके देखें तो आप पाएंगे कि आपके ग्राफिक्स के प्रोग्राम भी इस पर रन हो सकते हैं। ये प्रोग्राम्स उन बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जिनके पास अभी भी लैपटॉप नहीं है, तो आप बिना लैपटॉप के भी इन्हें अपने प्रोग्राम में, जैसे अभी आप देख रहे हैं मैटप्लोटलिब मैंने सर्च किया और प्लॉट प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे रन किया और ये प्रोग्राम देखिए एग्जीक्यूट हो रहा है कि मोबाइल में ही और आप इसे चला सकते हैं। इस प्रकार आप अपने CBSE के जितने भी कंटेंट्स हैं पाइथन के उनके प्रोग्राम्स को यहाँ पे रन करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।